मैं YouTube फैमिली कैसे हो भाई आप सब, उम्मीद करता हूँ आई होप अपने अपने जिंदगी में आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और भाई मस्त होंगे। तो करते भाई अपने चैनल में आप सभी का स्वागत और करते भाई इस वाले ब्लॉग को स्टार्ट। दोस्तों हम लोग गए थे वापिस और वापिस से भर के आ गए थे घर कल, और गाड़िया वाड़िया दोनों है ना भाई पहुँचा दी थी मैंने, गाड़िया यहाँ खड़ी थी ना कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियां यहाँ अपनी खड़ी थी 86 भी और 94 भी, तो दोनों गाड़ी खाली होने के लिए इंदौर चले गए है भाई। और मैं रुक गया था घर पे क्योंकि आप लोगों को बताया भी था ना मैंने कि अपनी गाड़ी का बीमा एक्सपायर हो रहा है, आज 4 तारीख है, तो 4 तारीख को बीमा रात को समझ लो 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो अभी अपने को बीमा भरना है गाड़ी का, यानी इंश्योरेंस करवाना है नया, तो उसी चक्कर में मैं घर पे रुक गया था भाई। और फूफा जी को और अखिलेश भाई को पहुंचा दिया गाड़ी खाली करने के लिए इंदौर, तो वो गाड़ी वाड़ी खाली हो गई और वापस सेंधवा का माल मिल गया है, तो वापस आ रही है गाड़ी आज भर के आ जाएगी। और मैं अभी जा रहा हूँ भाई सेंधवा और अपने को इंश्योरेंस करवाना है गाड़ी का। तो मुकेश भैया को मैंने फोन लगाया था, मुकेश भैया आ गए है, मुकेश भैया और हम जा रहे हैं भाई सेंधवा अभी है 85 वाले मुकेश भाई। तो मुकेश भाई चले, चलो भाई, चलो 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 भाई आपको मिलते हैं सीधे आगे रास्ते में। आ गए दोस्तों सेंधवा और ये रहे अमजद भाई की नेशनल इंश्योरेंस वाले, तो यहाँ पे जाएंगे अभी और अपनी गाड़ी का कितने का इंश्योरेंस कर रहा है वो सारा कुछ आपको बताएंगे। चलो आ जाओ मुकेश भैया, यहीं पे हमेशा करवाते दोस्तों हम, अमजद भाई से मिलते हैं। और अमजद भैया क्या हाल है, बढ़िया? चलो दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कितने का इंश्योरेंस उतर रहा है अपनी गाड़ी का और कितने की आईडी भी आ रही भाई इस साल में। दोस्तों बन चुकी है अपनी पॉलिसी और अमजद भैया ने बना दी अपनी पॉलिसी गाड़ी की, और कितने क्या पैसे लगे आपको सब कुछ बताऊंगा मैं पॉलिसी के अंदर ही, बाकी पॉलिसी लेते हैं अमजद भाई से। तो अमजद भाई ये रहे अपनी पॉलिसी, अब फूफा जी को है ना व्हाट्सअप कर देंगे तो फूफा जी निकाल लेंगे कहीं पे फोटो कॉपी इसकी, और बाकी गाड़ी आ जाएगी तो ओरिजिनल रखी देंगे गाड़ी में। अमजद भैया ये रहे, अमजद भैया क्या हाल है? बढ़िया है, बढ़िया है। और उधर भैया जी भी है, क्या नाम सर जी आपका? सुरेश। सुरेश सर जी है। तो डेली दोस्तों हम यहीं से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, मेरी गाड़ी का, दोनों का, बाकी बबलू भाई की गाड़ी का, और बाकी अभी मुकेश भैया की गाड़ी का भी अभी आ रहा है इंश्योरेंस 5वें महीने में, तो 5वें महीने में इनकी गाड़ी का भी यहीं पे करा देंगे। बाकी मुकेश भाई के पास में भी छोटी गाड़ियां हैं, तो मुकेश भाई पहले यहीं करवाते थे इंश्योरेंस इनकी गाड़ी का भी। तो चलो दोस्तों कोई नहीं अभी चलते हैं और अमजद भैया को करते भाई बाई, तो निकलते हम भी घर अब। ठीक है अमजद भैया, चले ओके, ठीक है, ठीक है, चलो दोस्तों निकलते हैं घर के लिए। चलो मुकेश भाई, मुकेश भाई को थोड़ा बहुत किराना सामान लेना था तो मुकेश भाई ने ले लिया बोरी भर के। और कुछ लेना है मुकेश भाई की घर पे क्या है, किराना दुकान है ना दोस्तों, इसलिए लेना पड़ता, ले लिया बाजार हाट। चलो लो करो स्टार्ट, नहीं आप ही चलाओ मैं पीछे बैठ जाऊंगा इसको लेके। चलो चलो आप ही चलाओ। चलो दोस्तों रखते इसको बाइक पर, अब चलते घर की तरफ और आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों मैं कितने पैसे लगे अपने इंश्योरेंस कराया है ना गाड़ी का उसके कितने प्रीमियम लगी है, तो घर चल के बताते आप लोगों को। एक आध दिन है ना दोस्तों आप लोगों को सेंधवा का किला घुमाऊंगा जिस दिन टाइम रहेगा ऊपर चढ़ के, अभी क्या है टाइम नहीं है। तो हमारा सेंधवा का किला है भाई ये बहुत बड़ा, करीबन 2 किलोमीटर का है भाई, चारों तरफ के कोने मिला के है ना 2 किलोमीटर का किला है भाई ये। तो आप लोगों को बताएंगे एक आध दिन सेंधवा का किला भी घुमाएंगे, फिलहाल में चलते घर की तरफ। दोस्तों पहुंच गया हूं घर पे और मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों कि अपना जो इंश्योरेंस है ना कितने का उतरा है, मतलब कितने अपने को पेमेंट लगा हुआ है और कितने की आईडी भी आई है। तो इंश्योरेंस मैंने निकाल लिया भाई, ये रहा अपना देख सकते हो, इसको अंदर से निकालता हूं और आप लोगों को
बता देते हैं दोस्तों, पॉलिसी के अंदर दोस्तों सब कुछ लिखा हुआ रहता है यहाँ पे, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, गाड़ी नंबर, बॉडी किस टाइप की है, पासिंग कितना है और मैन्युफैक्चरिंग क्या है इसका, मतलब कौन से साल सन की गाड़ी बनी है, स्टेयरिंग कैपेसिटी, रजिस्ट्रेशन, GVW, बाकी ये आ गए पैसे आ गए टोटल, और गाड़ी कौन सी वो भी लिखा है, आयसर मोटर्स लिमिटेड, ये लिखा है ना आयसर मोटर्स लिमिटेड 3015J प्रो SLP CB C GVW 18500 ये लिखा हुआ है, 18500 यहाँ पे भी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो गाड़ी को बीमा किया है हमने, कौन सी गाड़ी है ये, कितना पास करती है, कितने जोन का किया है बीमा, कितने लाख की IDV रखी है, कितने हजार रुपए अपने को लगे हैं इंश्योरेंस करवाने में, ये सारा कुछ पूरी पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ रहता है। और इस पॉलिसी में है ना बहुत से एजेंट है ना फ्रॉड भी करते हैं, तो अपने को है ना जो अच्छा काम करता है और अपने को समझ लो जैसे बीमा वीमा लेना हो, क्लेम लेने के टाइम पे है ना परेशानी नहीं आई, समस्या नहीं आई, तो आप लोग एक विश्वास पात्र जो इंसान हो, एजेंट हो, उसी से अपना इंश्योरेंस करवाइएगा। तो हम हमेशा वहीं पे करवाते हैं नेशनल इंश्योरेंस वाले के यहाँ, बाकी अपने 94 का भी बीमा वहीं है, 86 का भी, ये पिछले साल भी वहीं था, बबलू भाई की गाड़ी का भी, मुकेश भाई के, अपने मतलब जितने भी ग्रुप के लोग हैं, अपने गांव के लोग हैं, अपने एरिया के लोग, दोस्त यार सारे नेशनल इंश्योरेंस करवाते वहीं पे। आप लोगों को बताते भाई कितने लाख का बीमा हुआ अपनी गाड़ी का और कितने हजार रुपए अपने को ये पॉलिसी बनाने में लगे हैं, तो ये देख सकते हो गाड़ी नंबर आ गया MP13GA8680 अपने गाड़ी नंबर, ये इंजन नंबर आ गया, ये चेसिस नंबर आ गया, और बॉडी किस टाइप की है वो भी लिखा है इसमें भाई, ओपन बॉडी है अपनी, खुली बॉडी, और ये 18500 GVW आ गया, अपने गाड़ी 18500 पास करती है ना, ये लिखा है 18500, 2016 मॉडल ये आ गया यहाँ पे, और स्टेयरिंग कैपेसिटी आ गई है 4+1 लिखा है, तो 5 जोन का बीमा है इसमें, ड्राइवर, किन्नर और क्या बोलते हैं एक ड्राइवर और बाकी दो बंदे जो हो गए इसमें हिम्माल वगैरह आ गए, तो ऐसा करके 5 जोन का बीमा है। ये रजिस्ट्रेशन उज्जैन लिखा है, MP13 जो है ना अपना उज्जैन का नंबर है गाड़ी का, और ये आ गया टोटल देख सकते हैं आप लोग, IDV आ गई, IDV का मतलब ये होता है कि गाड़ी की वैल्यू कितनी रखी उन्होंने, मतलब कितने लाख का बीमा किया है, तो 9 लाख रुपये का ये वैल्यू दी भाई, देख सकते हो ये 9 लाख रुपये वैल्यू, मतलब बीमा कंपनी की नज़रों में अपनी गाड़ी की कीमत है आज की कंडीशन में 9 लाख रुपये, 2016 मॉडल गाड़ी दोस्तों 13.5-14 लाख रुपए कीमत रखती मार्केट में आज भी, क्योंकि 18500 वजन पास वाली गाड़ी है ना अपनी, इसीलिए अगर 10 टन में रहती तो समझ लो कीमत उस गाड़ी की 11 लाख रुपए, 10-11 लाख रुपए रहती, ये जो 18500 की गाड़ी है ना वजन पास करती है 13 टन, उसी चक्कर में अपनी गाड़ी की वैल्यू आज भी 13.5-14 लाख रुपए है भाई। तो और अपने को लगे है पैसे 43398 रुपए, जो कि यहाँ पे लिखे हुए देख सकते हो, ये रहे ये 43398 रुपये टोटल लगे भाई अपने को इस पॉलिसी को बनाने में नेशनल इंश्योरेंस। और पिछली वाली जो पॉलिसी थी मेरी वो भी नेशनल इंश्योरेंस की है, और अपने 94 में भी वही है, बबलू भाई की गाड़ी में भी वही है, मतलब जिस जगह हमने करवाया हूँ ना उसी जगह हम डेली करवाते हैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस। और बबलू भाई की गाड़ी का तो हाँ अभी कराया, अभी बबलू भाई की गाड़ी का हुआ था मार्च में ख़त्म, तो मार्च में करवा लिया था, बाकी अभी 5 महीने में मुकेश भाई की गाड़ी का भी आ रहा है बीमा, तो वो भी वहीं पे करवा लेंगे, अपने को क्या ज़्यादा झंझट मारी नहीं रहती है, ज़्यादा परेशानी नहीं रहती है, कहीं समझ लो क्लेम लेना हो कुछ भी, तो जो एजेंट है ना वो क्या बोलते हैं अमजद भाई करके, तो वो सारा कुछ काम करवा ही देते हैं अपने को, ज़्यादा दबने का परेशानी वगैरह नहीं आती है इसीलिए। ये देख सकते हो दोस्तों 5/4/2024 से लेकर 4/4/2025 तक अपनी पॉलिसी वैलिड है, मतलब 1 साल के लिए है ये वैलिड, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है।